अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल। चैनल को इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम, यह कोमल। आज तो आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है, जो कि है वीडियो को देखने से पहले Instagram का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करें जाकर। तो आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। इंडियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, लिज्जत पापड़, जंडू बाम, रजनीगंधा, इंडियन आइटम शॉप इन पाकिस्तान। देख लेते हैं क्या है इंडियन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में कैसे आई। Let's start. पापड़ भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इंडियन पापड़ है। अगरबत्ती आ गई, तो ये साईं बाबा की जो है अगरबत्ती भी। तो काफी प्रोडक्ट हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, चाला केम छो महेश भाई, कैसे बजरंग बली, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा भाई, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि यार इंडियन प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो आज एक हम शॉप पे हैं और एरिया पीछे आपको ये दिखा सकूँ। कौन सा एरिया ये कहते हैं इसको? निगार सिनेमा पान मंडी कहलाता है। निगार सिनेमा पान मंडी का जो ये एरिया है। और भाई के भाई का नाम क्या है? जावेद अबीब भाई है। और शॉप का नाम क्या है आपकी? मामा जनरल स्टोर। और इनके पास जो है इंडियन प्रोडक्ट्स होती हैं काफ़ी। वैसे तो भाई ज़ाहिर है रश का टाइम है इस वक्त, लेकिन इन्होंने जो है थैंक यू सो मच कि इन्होंने इजाज़त दी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? थोड़ा सब होता है, तेल, शैम्पू, क्रीम, साबुन वगैरह, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, माजून वगैरह होते हैं, इंडियन देसी। ये फेयर एंड लवली होती है इंडिया की, मोनिसन बाम होता है, टाइगर बाम वगैरह, वाटिका के प्रोडक्ट्स होते हैं, तेल वगैरह। चीज़ें हमें दिखा दें जी, आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ये फॉग का बॉडी स्प्रे है, ठीक है, फॉग का बॉडी स्प्रे है। ये जो है मोनिसन बाम होता है, ये टाइगर बाम है, टाइगर बाम, ये आयोडेक्स बाम है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर वगैरह गोदरेज के लगे हुए हैं जी। ये जंडू बाम हो गए, ये जंडू बाम है, ठीक है ना। ये मेहंदियाँ हैं, ये गोदरेज के कलर वगैरह हैं, डाई वगैरह हैं, ठीक है जी जी जी। और उसके अलावा ये जो है देखें, ये तंबाकू भी मिल जाते हैं, और ये सुरमा है, रत्ना, ये रत्ना आ गया भाई, ये रत्ना भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी प्रोडक्ट्स आपके हैं, क्रीम वगैरह है सामने, रजनीगंधा, ये पान मसाला है, पान मसाला बहुत मशहूर पान मसाला, ये पान मसाला, रजनीगंधा भी भाई यहाँ पे मिलता है। रजनीगंधा यार नाम सुने हुए हैं कसम से, नाम बड़े सुने। और इसके अलावा पीछे भी काफी जो है चीजें हैं प्रोडक्ट, और वो उस तरफ भी दिखा दें, यहाँ पे शैम्पू वगैरह जो है ना, जेल वगैरह, तेल वगैरह, ये यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं, साबुन भी हैं इधर, डाइजेस्टिव की चीज़ें होती हैं, चूरन वगैरह, वो पेट साफ चूरन पड़ा हुआ है, एक मिनट ये पकड़िएगा, ये पेट साफ चूरन है, ये डाइजेस्टिव के लिए होता है, सीने में जलन, तेजाबियत वगैरह, ये पेट साफ नाम है डिविजिया का, हाँ पेट साफ। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें और भी भाई के पास, और दर्दों के तेल भी होते हैं, शैम्पू वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, क्रीम वगैरह हो गई, पापड़ भी आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये इंडियन पापड़ है, अगरबत्ती आ गई, तो ये साईं बाबा की जो है अगरबत्ती भी, साईं बाबा की अगरबत्ती, काफी प्रोडक्ट है यहाँ पे मौजूद। अच्छा, एक और चीज जो है आपको बताता चलो, भाई जो है गुजराती हैं, तो थोड़ा सा गुजराती में कुछ बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, केम सो तमे बदा, ठीक ठाक सो, बीजू आई बदू, जैसे ना इंडियन सामान मरे से, तेल वगैरह, क्रीम, शैम्पू, बोरो प्लस नी भी क्रीम मर से, एंटीसेप्टिक, ठीक से बताऊं। असल में आपकी ज्यादा हम भाई को जो है थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, ये जो है बोरो प्लस है, ये किस चीज़ के लिए?
एंटीसेप्टिक क्रीम से आज ये चली जाए, कटी जाए, दाना थाए, बदे में काम आओ से बदी चीजों से, भूसी भी छे ना, स्किन ना साबुन भी छे ने नीम ना बदा। तो बाकी ये फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी प्रोडक्ट्स पड़ी हुए हैं अंदर, रसवा है, रमाना है, अब काफ़ी तो मैं भी नहीं जानता इतना, लेकिन आप लोग खुद पहचानते होंगे प्रोडक्ट्स, तो मैं इसलिए अंदर आ गया, मैंने कहा ये देखूं। और डर्मिकूल उसके अलावा ये नवरत्ना बोरो प्लस और वेजलिन वगैरह और दूसरी चीज़ें, उसके अलावा ये कायम चूरन भी एक मेरे ख्याल में काफ़ी फेमस है, और इच गार्ड है, और उसके अलावा फेयर एंड हैंडसम है, काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, वीआईपी हेयर शैम्पू है, तो उसके अलावा गार्नियर है, आयोडेक्स फास्ट रिलीफ मूव नज़र आ रहा होगा, फेयर एंड लवली है, जंडू का कुछ है ये, तो काफ़ी इस तरह के और आइटम्स हैं, और आजकल शायद जो है इतने आइटम, अच्छा ये भी आप देख सकते हैं पॉन्ड्स वगैरह, और ये देख सकते हैं एमानी, और ये आप देख सकते हैं। अच्छा जावेद भाई आजकल क्या पोजीशन, अभी तो इतना नहीं आ रहा होगा माल वाल छोड़, आता है लेकिन अराइवल से आता है, ठीक है ना, एक दो मुमाली घूम के आ जाता है पैसेंजर के थ्रू जो है ना। अच्छा। और इनके रेट्स वगैरह भी मतलब मुनासिब है, क्या है रेट? हाँ रेट मुनासिब है, लेकिन अभी जो अराइवल से आ रहा है उसमें थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है जी। अच्छा आपको कितना टाइम हो गया ये काम इस फील्ड में? भाईजान अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वो तीसरी ना जो है नस्ल है, 36 से 37 साल हो गए मेरे दादा मरहूम के ज़माने से हमारा काम है। अच्छा, और अगर गुजरात में आपके बड़ों की बात की जाए तो कहीं से मतलब रिश्तेदार या ताल्लुक? जी जी अहमदाबाद में है, गोधरा गुजरात में है, यानी सूरत जो कहलाता है, ठीक है ना, अहमदाबाद में, बड़ोड़ा में भी हैं, ठीक है, मुंबई में कुछ है हमारे रिलेटिव्स, लेकिन जो हमारी अक्सरियत है ना वो जो है गोधरा में, गोधरा। कौन से गुजराती हैं, पटनी वगैरह या मतलब? ये हम बस ये गोधरा के गुजराती हैं, ठीक है ना, पीछे से जो है हमारा जो आबा व अजदाद जो है वहाँ से थे, ठीक है ना, फिर यहाँ जो माइग्रेट करके आए, फिर जो नस्ल दर नस्ल बढ़ी वो यहाँ आके मेहनत की जी, शुक्रिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैसूर संदल सोप है, ये भी मेरे ख्याल में इंडियन ही है, और इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं, ये मार्गो, ये क्या चीज़ है बॉस? मार्गो साबुन है, ये साबुन है, ये भी इंडिया का ही है, और सिंथॉल आपको नज़र आ रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके चीज़ें दिखा दूँ, हम ये पूरी वीडियो इसी पे ही रखेंगे, पहले हमने सोचा था कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, वाई को हाजमूला तो होता ही है बिल्कुल, वो तो काफ़ी जगह नज़र आता रहता है, हाजमूला भी हो गया, और स्ट्रेस कॉम कैप्सूल्स हैं, डाबर और भी काफ़ी चीज़ें, ये नाम कौन सा है बस, ये हिंदी में लिखा हुआ है पता नहीं, ये हवा बन आटे हैं, ये जो है हाजमे के लिए होता है ये, ठीक है ना, हाजमा करता है, मतली वगैरह खाने के बाद हो जाता है, और ये जो दूसरा ये है, ये पान की चटनी है, मीठे पान में भी डलती है और टुबैको में भी डलती है, दिल खुश है ना गोपाल की। अच्छा, तो बाकी भी और काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बताइएगा भाई कैसी लगी वीडियो, और ये पान मंडी का एरिया है यहाँ पे काफ़ी, पान मंडी कहलाता है, ये निगार सिनेमा एक बड़ी ओल्डेस्ट सिनेमा है जो कि अब तो बिल्कुल जो है तबाह हाल हो चुका है, कराची का एक पुराना एरिया है, और इसके अलावा यहाँ हाँ बोर्ड भी, सामने बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं, ये आप बोर्ड देख सकते हैं शॉप का, उर्दू में लिखा हुआ मामा जनरल स्टोर, तो अगर किसी भाई को प्रोडक्ट यहाँ से कुछ भी लेना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं, और जावेद भाई से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वीडियो थी यार, और इंडिया का माल मुनासिब रेट पर दस्तयाब है, वो उर्दू में लिखा हुआ था, आई थिंक सो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा, मामा जनरल स्टोर मामा जनरल स्टोर इंडिया का तमाम सामान मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। ये मुझे लगता है सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही हैं इनके पास, पाकिस्तानी कोई भी नहीं था, सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स था, उसी का ही जनरल स्टोर है, इंडियन प्रोडक्ट्स ही हैं, डाबर हो गया, आप कोई भी उठा लो, हाजमुला उठा लो, आप गोडरेज के हेयर कलर, मतलब कि मेहंदी हर चीज वो
अगरबत्ती हो गई, चूरन बहुत, चूरन की बहुत किस्में थी, आई डोंट नो कि चूरन का क्या सीरा, चूरन की बहुत किस्में थी, मतलब कि चीज़ें बहुत बेतहाशा थी और सारी इंडियन ही थी। और इनके पास कस्टमर आते होंगे क्योंकि उस साइड पे जो ये एरिया बता रहे हैं ना, आई थिंक तो यहाँ पे हिंदूज बहुत रहते हैं, तभी उनकी शॉप चल रही है, वरना शॉप चलेगी उनकी। और वो कह रहे हैं तीसरी नस्ल है, तो शॉप चल रही है तो तीसरी नस्ल आई है ना, लोग फिर अपने प्रोडक्ट्स ही लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे कि इंडिया से आया और इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वही लेंगे। हाँ, और वो कह रहे थे कि अराइवल के थ्रू आती है तो वो पैसे थोड़े ज्यादा पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी शॉप चल रही है तो उनको मुझे लगता कोई मसला नहीं होगा। शॉप चल रही हो तो इंसान ज्यादा पैसा भी लगा दे तो दुखता नहीं है। बहुत आला वीडियो थी और सारे यार प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त थी। और याद आ गई, हम जब एड्स देखते थे ना इनकी, तो हमें याद आ गई वो चीज। और हॉर्लिक्स ही था, हॉर्लिक्स भी होना चाहिए था, हॉर्लिक्स मिल ही जाता है, हॉर्लिक्स होता है एक, वो भी है अमूल की चीजें भी हो सकती है, अमूल के इतने प्रोडक्ट्स, और वो बिस्किट, बिस्कोनी इस तरह करके, बिस्कोनी तो चलो पाकिस्तान में भी है, वो बिस्किट ही था जिसके ऊपर बच्चा बना होता था, एक छोटा सा बच्चा। हाँ, वो यार नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो एक बिस्किट था बहुत इनका फेमस था, बहुत पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी, सही याद किया तुमने, पार्ले जी बिस्किट। हाँ, एक अमूल की एड आती थी, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये इस तरह करके एक एड आती थी। और पार्ले जी की भी एड आती थी जिसमें बच्चा हो दूध, नम नम नम, बड़ा मजे की थी। बाकी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ, वीडियो को प्यार जरूर देना, मिलते हैं 1 2 3 नम देव।